This video is sponsored by threadmonk.com. They customize t-shirt, hoodies, zipper for startup, reunion, college, school and groups. For more information, check link in the description. Hello friends, I welcome you on this tutorial video. और आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा दूँ कि प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम में हमें दो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड शीट दे रखी है, ठीक है. और ये हो गई फर्स्ट वाली शीट और ये हो गई सेकेंड वाली शीट. अब जो फर्स्ट वाली शीट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, और जो सेकेंड शीट है, ठीक है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है सिग्मा 2 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर के. अब ये दोनों शीट्स अगर हम देखें तो ये एक पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है. तो ये हो गया पहला वाला रीजन, और ये हो गया सेकेंड रीजन, और ये हो गया थर्ड रीजन, ठीक है. अब हमें ये बताना है कि फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेकेंड वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और थर्ड वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. ओके, सो ये प्रॉब्लम था. अब अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट हो, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है, तो इस शीट के कोई से भी पॉइंट हम आगे या पीछे कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बराबर होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कूलम पर मीटर के, सॉरी न्यूटन पर मीटर के. ओके, सो इसी से हम यहाँ पर जो ये तीन रीजन है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. सो पहला वाला जो रीजन है उसमें हम ये जो चार्ज्ड शीट है पहली वाली, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे मान लेते हैं E1 के बराबर, ठीक है, और जो सेकेंड शीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे मान लेंगे हम E2 के बराबर, ठीक है. दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा. ओके, अब बीच वाला जो रीजन है उसमें इस चार्ज शीट, जो पहली वाली चार्ज शीट है, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, और ये जो सेकेंड वाली चार्ज शीट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा. ओके, और जो थर्ड वाला जो रीजन है उसमें वापस से इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है. सो E1 का भी डायरेक्शन वही रहेगा और E2 का भी डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक है. तो पहला वाला जो रीजन है उसमें अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो बराबर होगा E1 प्लस E2 के, ठीक है, हम इन्हें वेक्टोरिकली ऐड करते हैं, ठीक है. और जो सेकेंड वाला रीजन है उसमें आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ठीक है. हम ये जो डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, और ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है उसे नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है. तो वेक्टोरिकली हम इस तरह से उनको ऐड करेंगे, ठीक है. और थर्ड वाला जो रीजन है उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वापस बराबर हो जाएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के, ठीक है. तो इस तरह से आप तीनों रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है. सो हम निकालते हैं. आप देखिए, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर इनफाइनाइट चार्ज की शीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज की शीट है, ओके, जो यूनिफॉर्म जिसकी चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, उसके आगे या पीछे कोई भी पॉइंट पे आप भले से वो शीट से कितना भी दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है. जो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है. तो शीट से कितने भी डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा सेम आएगी, ठीक है. और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा बाहर की तरफ आएगी. सो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी हमने जो इस फर्स्ट वाली जो शीट है उसके कारण ये माना है बाहर की तरफ, ठीक है, और सेकेंड वाली जो शीट है उसके कारण भी हमने बाहर की तरफ ही माना है, ठीक है, इसीलिए उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है. ओके, सो फर्स्ट रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें
तो वो बराबर हो जाएगा, ई1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, सबसे पहले हम ई1 और ई2 लिख लें। ई1 इज इक्वल्स टू σ1 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन और ई2 इज इक्वल्स टू σ2 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी σ1 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन प्लस σ2 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन, डेट इज σ1 प्लस σ2 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। ओके, और सेकेंड वाले रीजन की हम बात करें, ओके, सो उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर के बराबर है। ओके, सो E1 की वैल्यू है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन माइनस E2 की जो वैल्यू है σ2 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन, दैट इज σ1 माइनस σ2 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। ठीक है, और आप थर्ड वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो भी इसी के बराबर आएगी जो फर्स्ट रीजन में आ रही है, दैट इज σ1 प्लस σ2 बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। ओके, सो ये था एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।